हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर जी अकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 2 ही, ठीक है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। और सभी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उसका समझ लिए एक तरह का टेस्ट है आपका, ठीक है ना। तो ये देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया है, दिए द्विघात बहुपद के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्य में से एक शून्य दिया है माइनस तीन, तो के का मान ज्ञात करना है। चार ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है, पहला सवाल है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, मान लीजिए जो बहुपद है हल, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए बहुपद पी एक्स है ना, क्या दिया हुआ है, दिया है के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ठीक है, और इसका एक शून्य यानी एक्स का मान एक दिया हुआ है माइनस तीन, करें के का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो एक्स का मान माइनस तीन दिया है, तो आपको पता है इसका मान अगर मैं रखूँगा तो इसका पूरा का मान कितना आएगा, जीरो आता है, मालूम है ना। तो लिखेंगे एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर पी एक्स बराबर जीरो होगा ना। तो रखते हैं जरा इसमें मान के माइनस वन और एक्स के मान माइनस तीन का स्क्वायर, फिर प्लस के इंटू माइनस तीन प्लस वन, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, क्लियर। अब जरा इसको हल करिए, माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस तीन हो जाएगा, सॉरी प्लस नौ हो जाएगा, माइनस तीन गुड़े माइनस तीन करेंगे तो नौ होगा ना, और नौ को गुड़ा इसमें करेंगे के में ना, तो नौ के और माइनस नौ, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, एक लाइन में यहाँ पे गायब कर दिया ये वाला, देखिए माइनस वन और गुड़े इसका स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा, अब इसको गुणा किए हैं दोनों में तो ये वाला आया है, ठीक है। अब आइए प्लस, इसका गुणा करेंगे तो देखिए माइनस में प्लस में तो क्या होगा, माइनस तीन के ना, अब प्लस वन बराबर जीरो, क्लियर। देखिएगा प्लस में नौ के या माइनस का तीन के कितना हो जाएगा, प्लस का छः के घट जाएगा ना, और ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, इनको एक साथ लेंगे तो माइनस नौ प्लस एक बराबर कितना जाएगा, माइनस आठ बराबर जीरो। इसको पक्षांतर करेंगे तो छः के बराबर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना आठ, तो के बराबर आठ बट्टे छः, ठीक है, काट लीजिए, दो चौका आठ, दो तिहाई छः, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, सॉल्व करके ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको मालूम रहे कैसे होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है दूसरा नंबर, देखिएगा जरा क्या कर रहा है, कह रहा है शून्य माइनस तीन और चार, ये दो शून्य दिए हैं, कह रहा है इनका ये वाला द्विघात बहुपद याद करिए, यानी किस बहुपद का शून्य ये होगा, हमको वो बहुपद याद करना है ना। तो ये देखिए हल करते हैं इसको, मान लीजिए इसके शून्य जो है इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए अल्फा बराबर ऐसे लिख लीजिए, माना शून्य अल्फा बराबर माइनस तीन और बीटा बराबर चार, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल होता है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर। अब मान रख दीजिए बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, माइनस तीन,
और प्लस बीटा का मान कितना है 4 गुड़े एक्स, फिर प्लस अल्फा का मान -3 गुड़े और बीटा का मान 4। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, उसको वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा 1 का गुड़ा एक्स करेंगे तो एक्स ही आएगा, फिर ये कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कहीं छूट आ गया माइनस माइनस, जरा देखिए कुछ छूटा तो नहीं, सब सही है। ठीक है, लगता है ऑप्शन गलत दिया है ना, जो पहला ऑप्शन है वही सही होना चाहिए, और ये जो है यहाँ पे प्लस दे दिया ऑप्शन में, ठीक है ना, ऑप्शन ये दिया है पहला वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 दिया है, इसको सही कर लीजिए, ये प्लस नहीं ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा और ये माइनस होना चाहिए, तो विकल्प में जो दिया उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 + a + 1 एक्स प्लस बी के शून्य दिया हुआ है 2 और -3 ना, कर रहा है ए और बी का मान मतलब क्या होगा वही याद करना है। चलिए करते हैं हल, तीसरा सवाल है। ठीक है, हमारा दिया है, मान लीजिए बहुपद जो दिया है वो पी एक्स है ना, ठीक है, माना पी एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ना ब्रैकेट में, और यहाँ पे एक्स है प्लस बी, ठीक है, शून्य क्या दिया हुआ, शून्य यानी एक्स का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया है और एक्स का मान क्या दिया है -3, ये तो शून्य है। ए और बी का मान ज्ञात करना है दोस्तों, एक्स का मान हम पहले ये 2 रखेंगे फिर ये 3, -3 है ना, ये -3, ठीक है, ये रखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आता है उसको हल करेंगे। देखिए आइए करते हैं, तो पहले लीजिए एक्स बराबर 2, ठीक है, तो जब एक्स बराबर 2 रखेंगे तो पी एक्स बराबर 0 आना चाहिए, 0 आएगा ना, ठीक है, लिखेंगे P2 ना, या ऐसे लिखिए एक्स का मान 2 रखने पर ना पी एक्स बराबर 0 होगा ना, तो चलिए रखते हैं, तो एक्स का मान रखिए, तो एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर फिर प्लस ए प्लस 1, यहाँ पे क्या है एक्स का मान कितना 2 प्लस बी बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2a + 2 बराबर बी बराबर 0, 4 × 2 = 6 हो जाएगा ये, और ये 2a + b, 4 × 2 = 6, 6 को इधर भेज लीजिए, चलिए एक लाइन और कर देता हूँ 6 = 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो 2a + b, ये पक्षांतर होता -6। क्लियर है इतना, ये मान लीजिए समीकरण 1 है। फिर पुनः पी एक्स बराबर -3 रखने पर पी एक्स का मान जो है 0 होगा ना, तो रखिए जरा मान, इसका एक्स का मान कितना है -3 स्क्वायर फिर प्लस ए प्लस 1 एक्स का मान -3 यहाँ पे गुड़े है प्लस बी बराबर 0, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 बार गुड़ा होगा तो प्लस हो जाएगा ये 9, फिर ये प्लस -3 का गुड़ा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, 3 है, फिर -3 प्लस बी बराबर 0, ठीक है, -3 है
और प्लस बी एक साथ कर लीजिए। देखिए छः नौ में से तीन जाएगा छः, प्लस का छः बराबर जीरो, इसको पक्षांतर कर लीजिए तो थ्री ए प्लस बी बराबर इधर आएगा तो माइनस का छः। क्लियर है, ये समीकरण दो हो गया दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब समीकरण एक और दो को हल कर लेते हैं ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, समीकरण एक यहाँ पर लिख लीजिए, टू ए प्लस बी बराबर माइनस छः, और समीकरण दो भी लिख लीजिए दोस्तों, ये माइनस को आप इधर भेज दीजिए ना, ठीक है, यानी माइनस से दोनों साइड में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री ए माइनस बी और ये प्लस का सिक्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको मानिए समीकरण दो, ठीक है, तो ये समीकरण दो यहाँ पर लिख लीजिए थ्री ए माइनस बी और प्लस का छः, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए देखो देखो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, देखिए माइनस थ्री ए प्लस बी बराबर माइनस छः है ना, तो इधर भी माइनस से गुणा कर दीजिए और इधर भी माइनस से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए माइनस माइनस कट गया, इसीलिए जो भी करेंगे दोनों साइड में, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, अभी समीकरण एक है समीकरण दो है, दोनों को जोड़ लीजिए ना, यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है ना, तो जोड़ते हैं तो ज़रा देखिएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो तीन दो पाँच है, ये प्लस में माइनस में तो ख़त्म हो गया ना, ये भी ख़त्म हो गया, जीरो हो जाएगा यहाँ पर ना, फिर ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो जीरो बट्टा पाँच, तो ए बराबर जीरो, समझ में आया इतना, एक मान कितना आ गया जीरो। अब एक मान चाहे समीकरण एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, हमारा बी का भी मान आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए इसी में रख दीजिए, तो दो गुणे एक मान कितना है जीरो जीरो, फिर प्लस बी बराबर माइनस छः, इसका गुणा करेंगे तो जीरो प्लस बी बराबर माइनस छः, तो बी बराबर माइनस छः, यही हमारा आंसर हो गया, आंसर ए बराबर जीरो और बी बराबर माइनस छः। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चौथा सवाल दिया है, शून्य माइनस दो और पाँच वाले बहुपदों की संख्या, ऑप्शन दिया एक दो तीन, तीन से अधिक चार ऑप्शन दिया है ना, कह रहा है कि कोई बहुपद है ना उसका शून्य पाँच है, सॉरी शून्य माइनस दो है, कहाँ गया, माइनस दो और पाँच, तो ऐसे कितने बहुपद बहुपद होंगे जिनके शून्य ही आएंगे ना, तो ऐसे बहुत बहुपद होंगे ना, अनंत होंगे, इसका ऑप्शन नंबर चार ही सही होगा, ठीक है, तीन से अधिक, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर ये एक्स बराबर माइनस दो है और ये एक्स बराबर पाँच है, तो एक्स बराबर इसको इधर भेजेंगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा टू बराबर जीरो, इसको भेजेंगे तो एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो, यही ना, तो पी एक्स मान लीजिए हमारा बहुपद है, तो पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फाइव, यही लिखते थे ना, ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं तो यही आता है, इसको जब अभी गुणा करेंगे तो बहुपद आ जाएगा ना, ठीक है, तो एक हो गया, मान लीजिए मान लेते हैं क्यू एक्स है बहुपद, ठीक है, तो हमारा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं आप, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर चार सही होगा, ठीक है, आंसर तीन से अधिक, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला है सवाल पचवा नंबर, करे है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और करे इसका एक शून्य जीरो दिया है, करे अन्य दो शून्यों का गुणनफल कितना होगा, ठीक है, तो मान लीजिए एक शून्य का अल्फा है, ठीक है, और इसका मान जीरो है और दूसरा बीटा है,
तीसरा ये गामा, ठीक है, ये तीन शून्यक हैं। तो अल्फा का मान दिया है जीरो, इन दोनों का नहीं दिया है, कह रहे इनका गुणनफल कितना होगा ना। तो जरा बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है ना। अब जरा देखिए, और इसका मान रखेंगे आप अल्फा का, तो जीरो हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ये हमको लिखने, ये हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको तो बस पूछा है गुणनफल कितना होगा ना। तो बताइए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, इसका मान कितना होता है, सी बट्टा ए, यही होता है। अल्फा का मान जीरो है, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर इसका भी मान जीरो रखेंगे, सी बट्टा ए जीरो, ये भी जीरो, तो सी बट्टा ए, तो दो शून्य को का गुणनफल कितना है, सी बट्टा ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दो सही है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दो, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। तो दोस्तों, ये पर्सनालिटी टू ई के कुछ सवाल थे, और भी कुछ सवाल हैं उसको हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और आगे के जो सवाल हैं वो आप सब पढ़ चुके हैं ना, सभी चैप्टर के जो मिक्स हैं करके वो दिया हुआ है, तो आप खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।